हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नेहरू टोपी उर्फ नेता टोपी। इसको घर पर सिलाई कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। कभी स्कूल का बच्चों का कोई फंक्शन होता है तो उसमें कोई बच्चा नेता बनता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है, या घर में हमारे बुज़ुर्ग जो है हमारे बाप दादा अगर कोई वो लगाते हैं इस टोपी को तो उनके लिए घर पर सिलाई करके दे सकते हैं। इसको सिलाई करना बहुत ही आसान है। ये कैसे सिलाई करते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पहन के दिखाता हूं। ये देखिए इसकी फिटिंग कैसे आ रही है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको मैं 24 इंच रख रहा हूँ, यानी कि 12 इंच। वैसे इसका आप अपने सर का नाप भी ले सकते हैं। जैसे आप चारों तरफ से इंची टेप को अपने सर के ऊपर रख के घुमा लें। और इसकी चौड़ाई मैं 9.25 इंच रख रहा हूँ। चौड़ाई सबकी सेम ही रहेगी, 9.25 इंच। इसके बाद हमें इसका बीच का हिस्सा काटना है। इसको मैं 7 इंच चौड़ा काटूँगा। अगर सर पतला है तो 6 इंच चौड़ा काटूँगा और 10.5 इंच लंबा। अगर इसी तरह आपको बच्चे का बनाना है तो बच्चे का भी आप सर को एक बार नाप लें, जितना सर है उससे 1 इंच फालतू टोपी का कपड़ा काटते हैं। और ये बीच का हिस्सा बच्चे का 5 इंच चौड़ा रख लेना, बड़े का 7 इंच और नॉर्मल 6 इंच। ये देखिए, ये 10.25 इंच है और ऐसे चौड़ाई में 6 इंच मैंने रखा है अपने लिए। अगर किसी का मोटा सर है तो उसके लिए आप 7 इंच रखें, बच्चे का रखना है तो 5 इंच रखें चौड़ाई। देखिए, सबसे पहले में जो हमने बड़ा हिस्सा है हम उसको काट सीधा सिलाई मार देंगे। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह, और बीच सेंटर में नाखून से या परेस से बैठा लेंगे। इसको सिलाई करना बहुत ही आसान है, आप एक बार वीडियो देखते ही आसानी से इसको सिलाई कर लेंगे। देखिए, हमारा जो सिलाई हमने लगाई है उसका सेंटर ले लें और इधर एक कुटका लगा दें ताकि हमारी जो नोक बनेगी, एक जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ पर नोक बनेगी और एक उसके सीधा दूसरी साइड में कुटका लगा के इधर नोक बनेगी। अभी हम जो हिस्सा हमने काटा है इसको जो हमने कुटका लगाया उससे सिलाई शुरू करेंगे। ध्यान रखें हमारी नोक, ये जो हमने कुटका लगाया इससे शुरू करें और ठीक जो हमारा जॉइंट है उसके ऊपर दूसरी नोक जानी चाहिए। अगर आपको ये छोटा बड़ा पड़ता है तो पहले ये हाथ से नाप कर देख लें, अगर बड़ा पड़ रहा है तो और छोटा थोड़ा कटिंग कर लें। देखिए, हमारा बिल्कुल सही है, एकदम नोक बन गई है दोनों साइड में। अभी हमने जो दूसरा कपड़ा है इसको इसके ऊपर सिलाई कर देंगे फोल्ड करके। देखिए, मैंने 1/2 इंच कपड़ा अंदर रख के इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रहा हूँ चारों तरफ। ध्यान रखें कोने से ही सिलाई शुरू करें और वापस कोने पर ही सिलाई ख़त्म करें, इससे हमारा कोना बन जाता है।
देखिए आराम से हमारी सिलाई लग रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई करें, किसी भी कपड़े को खींचे नहीं, नहीं तो कपड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारी टोपी सिलाई हो गई है, अब हम इसके ऊपर प्रेस से बैठा देंगे। देखिए पहले इसको ऐसे प्रेस कर ले, इसके बाद हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड में। ये देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, पूरा कपड़ा डबल हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से प्रेस बैठा दें। ये हमारी तैयार हो गई है टोपी। आप इसको अपने बच्चों के लिए आराम से घर पे सिलाई कर सकते हैं, कोई फंक्शन वगैरह में ज़रूरत पड़ जाती है तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।